लोग के आशीर्वाद की वजह से एकदम सही सब कुछ है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डॉक्टर शिव सागर गुप्ता, एमडी पीसीसी यूएसए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये भी यहीं पे बैठते हैं। गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, वर्किंग पावर होती है वो स्ट्रांग होती है। डॉक्टर्स का मानना है कि डोनेशन से खून पतला होता है जो कि हृदय के लिए अच्छा होता है। ब्लड डोनेट करने के बाद बोन मैरो नए रेड सेल्स बनाता है। बोन जो मैरो सेल्स होती है वही तो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इससे शरीर को नए ब्लड सेल्स मिलने के अलावा तंदुरुस्ती भी मिलती है, मान लीजिए नए ब्लड्स बनेंगे तो तंदुरुस्ती मिलेगी ही। ब्लड डोनेशन सुरक्षित व स्वस्थ परंपरा है। इसमें जितना खून लिया जाता है वह 21 दिन में शरीर फिर से बना लेता है। बोन मैरो सेल्स के थ्रू बना लेंगे ब्लड का वॉल्यूम तो शरीर 24 से 72 घंटे में ही पूरा बन जाता है। तो ये चीज़ें ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। रक्तदान के फायदे ये सब आपको ने इसमें यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो ये सब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए डिवाइन हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बाल हृदय रोग ओपीडी, प्रत्येक बृहस्पतिवार प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। डॉक्टर प्रोफेसर बीएस नारायण, डॉक्टर अंबुकेश्वर सिंह। ये जो डॉक्टर अंबुकेश्वर सिंह आप देख रहे हैं यही मेरे पापा का जो EMI हुआ था हार्ट अटैक, तो यही जो उसमें स्टंट डालते हैं तो यही चीज़ यही डॉक्टर अंबुकेश्वर सिंह करते हैं जो MD DM है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो ये स्टंट भी डालते हैं, इकोकार्डियोग्राम भी यही करते हैं, तो इनका काफ़ी रोल होता है। और डॉक्टर तरुण, ये देखिए डॉक्टर तरुण आनंद भी हैं। तो ये डॉक्टर अंबुकेश्वर सिंह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आप एकदम लगेगा कि व्यवहारिक डॉक्टर हैं, अच्छे से आपसे बात भी करते हैं। तो ये चीज़ डॉक्टर से तो ऐसे होनी ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप पूरी डॉक्टर्स की लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है आप देख सकते हैं। जैसे नाभा, ये देखिए डॉक्टर्स नेम दिए गए हैं, और जैसे AK श्रीवास्तव हो गया, पंकज कुमार श्रीवास्तव। AK श्रीवास्तव का जो ये हॉस्पिटल है ना डिवाइन, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो ये इन्हीं का हॉस्पिटल है। एक जो इनका फाउंडर कह सकते हैं AK श्रीवास्तव हो, पंकज कुमार श्रीवास्तव। ये देखिए कब कब बैठते हैं डिपार्टमेंट जाएगा, ये देखिए संडे, ये देख लीजिए संडे कार्डियोलॉजी क्लिनिक, संडे OPD टाइमिंग 11 बजे से है 1 बजे तक है। तो डॉक्टर अंबुकेश्वर और जय शर्मा, ये दोनों कार्डियोलॉजिस्ट बेस्ट हैं जो कि आप यही सुविधा प्रोवाइड करते हैं डिवाइन से। डिप्लोमा इन MBBS ये भी सब किए, MBBS के बाद ही फिजियोथेरेपिस्ट किए हैं। तो ये चीज़ है, तो ये देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हॉस्पिटल में प्रवेश करते समय इन बातों का रखें ध्यान, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। ये देखिए सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये फोर्ट हटाना पड़ेगा, तो ये चीज़ हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। लेकिन यही है कि अपना यहाँ सबसे अच्छी बात एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो कि मैं अभी यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, डॉक्टर अंबुकेश्वर सिंह से मेरी बात बहुत अच्छे से हुई थी, क्योंकि मेरे थोड़े वो
दूर के मतलब ऐसे कहते नहीं, कहीं भी जाओ तो शोर जुगाड़ होता है। तो हाँ, थोड़ा डॉक्टर से संपर्क कराया गया और मुझसे अच्छे से बात भी किए थे। तो मैं उनसे एक चीज़ पूछा कि सर, अगर हार्ट अटैक से आपको बचना तो करना क्या चाहिए, सभी को ये चीज़ें। तो ये चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ। और वो चीज़ यही चीज़ बताएं कि दो चीज़ वो मुझे बताएं, हेल्दी फूड, रेगुलर हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड मतलब जंक फूड नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब कोलेस्ट्रॉल तेल तना भुना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं खाना है, सिंपल भोजन होना चाहिए। और डेली रूटीन में 100% आप ये सोच लीजिए कि 100% ये समझ लीजिए कि डेली आपको मॉर्निंग में 30 मिनट मतलब आधे घंटे से अबव आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रीथिंग उसमें कंपलसरी है, योगा जिसको कहते हैं, थोड़ा दौड़िए भागिए आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, एक घंटा, मतलब एक घंटा और 30 मिनट के अंदर, 60 मिनट और 30 मिनट के अंदर एक्सरसाइज रेगुलर डेली होने चाहिए 100% अगर आपको लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ जीना है। क्योंकि ऐसे होता ना कि 20-25 ईयर्स तक तो ऐसे चल जाती है कि मतलब नहीं बीमारी आती, लेकिन 25+ के बाद ना बीमारियां शुरू होती हैं शरीर में, एक एक बीमारियां। तो अगर आप ये चीज़ अवॉइड करेंगे, जंक फूड को अवॉइड करेंगे और डेली आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, 100% बीमारी जल्दी आती नहीं है। क्योंकि तो ये चीज़ था। और नेक्स्ट में चलिए अभी कुछ और दिखाएंगे इस हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल का मुझे इस हॉस्पिटल का, डिवाइन हॉस्पिटल का सबसे अच्छा ये लोकेशन लगता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, देखिए ये मैंने एक, ये देखिए अच्छे अच्छे फूल लगे हैं। मेरे पापा का जो ना कि अब स्टंट पड़ गया है, तो थोड़ा मुझे यही था ना, मैं बहुत टेंशन में था 4-5 दिन से। उनको 23 को अटैक हुआ, फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट बस्ती का रहने वाला हूँ ना, तो पहले फैजाबाद एडमिट कराया उनको, एडमिट वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में 23 को एडमिट हुए, फिर 24 तक वहाँ एडमिट रहे, और 24 के बाद उन्हें वहाँ से मैंने 25 को यहाँ लखनऊ में एडमिट कराया, जो कि डिवाइन हॉस्पिटल में। तो फिर यहाँ से 2-3 दिन काफ़ी परेशान थे हम लोग भी, मेरी फैमिली पूरी परेशान थी और मैं भी काफ़ी परेशान था। लेकिन यही चीज़ है ना कि अब उसको मुझे मतलब फेस करना था उस क्रिटिकल सिचुएशन को, और मैंने फेस किया। तो काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट भी किए, मेरे जो फ्रेंड्स और मेरे जो रिलेटिव, तो काफ़ी लोग सपोर्ट किए। लेकिन वही है कि लास्ट में हाची सक्सेस रहा, और डॉक्टर अम्बुकेश्वर सिंह और जय शर्मा को मैंने काफ़ी मैंने यही चीज़ होता है ना कि चीज़ जब सक्सेस हो जाती है, कोई भी बीमारी सही कर देते हैं डॉक्टर, तो बहुत गुड फील होता है। तो वही बाद में हुआ और मैंने उनको धन्यवाद कहा, और जो भी अच्छा लगा मुझसे, मैं उनसे मिलकर प्रभावित हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर लगे, बातों से लगे, काम से तो हैं ही लेकिन बातों से भी वो अच्छे हैं। तो ये चीज़ हो गया, तो आई होप कि वो भी बेस्ट ही रहें और आप लोग भी अच्छे से रहें, और वही चीज़ है। तो बस इतना ही था, और कुछ रहेगा तो आपको बताया जाएगा। तो वही चीज़ है, सभी चीज़ें सब अब सही हैं मेरे लिए। तो मैंने ये लास्ट में जब मुझे डिस्चार्ज, आज डेट है 3 मार्च है, तो 3 मार्च को अभी देखिए आज क्या है, पापा को मेरे यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा, तो घर पे जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलेज भी जाना है। तो डिस्चार्ज आज मिल जाएगा, डिस्चार्ज कराने के बाद मैं घर पे जाऊँगा, तो अच्छा लगेगा। और ये आप देख सकते हैं जो कि इमरजेंसी ये पूरा है, यहाँ पे जो सर्जरी होने के बाद इसमें वार्ड वाइज शिफ्ट करते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया ग्राउंड फ्लोर पे, और डॉक्टर्स भी बैठते हैं यहाँ पे, और वो आपको जो है वो ओपीडी है, आउट पेशेंट जो होते हैं डिपार्टमेंट, और ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे, इस हॉस्पिटल में आपको फ्लावर्स अच्छे अच्छे दिखेंगे कि मिलेंगे, वैरायटी फ्लावर्स। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा भी लगा था, ये आप देख लीजिए, ये देखिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फ्लावर्स आपको मिलेंगे। ये चीज़ देखिए इतने अच्छे मिलते हैं, देखिए ये फूल बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए
तो अभी मॉर्निंग सुबह के लगभग समथिंग में वही 7 o'clock मॉर्निंग का AM का होने वाला है। तो मॉर्निंग में अभी मैंने जगा और आज डिस्चार्ज डे है, पापा का डिस्चार्ज हो जाएंगे तो खुशी मिल रही है थोड़ा सा। हाँ, बीमारी थोड़ा आप दवा से चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वही चीज़ है। और ये इनका मेन एंट्री गेट है इस हॉस्पिटल का। पार्किंग एरिया तो यहाँ बहुत अधिक है, तो यही चीज़ है। लखनऊ के गोमती नगर विराजखंड 5 में है। तो इसका ये देखिए, ये भी इसका फ्रंट एरिया कितना अच्छा लगता है। यहाँ से डिवाइन कटिंग, जो फ्लावर्स कटिंग होते हैं तो यहाँ से कटिंग करके डिवाइन लिखा गया है। ये देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ फ्लावर्स कटिंग। ये देखिए, ये आपका डी हो जाएगा, ये आई भी आई एन ई, ये डिवाइन पूरा। ये आप इसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, थोड़ा दूरी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ना। ये देखिए डी आई वी आई एन ई डिवाइन, जैसे कटिंग से बनाया गया है पूरा। यही चीज़ जस्ट सामने ही।